Hello dear students, in this lecture we will discuss about the advantages of SCM, Software Configuration Management. So, advantage discuss करने के लिए हम एक example ले लेते हैं. जो पहला point हमारा है वो है reduce redundant work. हमें एक ही काम को बार बार नहीं करना होता. मान लीजिए आपकी faculty ने आपको एक report बनाने के लिए बोला कि आप एक report बना के लाइए अपने project की, और उस project में मान लीजिए 5 दोस्त हैं आपके, तो क्या पांचों के पांचों अपनी अपनी अलग अलग कॉपी बनाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो एक सबमिट होनी है, आप तीनों एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं. तो यहां पर आप क्या करेंगे, बेसिकली एक पर्टिकुलर फाइल को बनाएंगे और उसी में अपडेट करेंगे. मतलब हम टास्क डिवाइड कर लेंगे कि कौन क्या करने वाला है और हम इस फाइल को बना देंगे. तो ये एक कोलैबोरेटिव जो वर्किंग होती है वो हमेशा आपका समय बचाती है. आपको अगर अलग अलग फाइल आप बना लेंगे ना, तो उसको मर्ज करने में और या बोलना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन में बड़ी दिक्कत होने वाली है, है ना. सो हम कोशिश करते हैं कि हम एक फाइल क्रिएट करें और उस पर अपना पूरा फोकस रखें. और जो अब इसमें एक चीज और होती है कि ये तीनों यूजर्स क्या क्या काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को पता चलता जाता है. सो जो हमारा पहला पॉइंट था रिड्यूस रिडंडेंट वर्क, वो हम अचीव कर सकते हैं SCM से. सेकेंड पॉइंट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ साइमल्टेनियस अपडेट. जिस किसी भी यूजर ने इस कॉमन फाइल पर कुछ भी अपडेट किया होगा, बाकी मेंबर्स भी उसको व्यू कर पा रहे हैं. अगर कुछ कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन है या मैनेजरियल इंफॉर्मेशन है तो ये एक दूसरे से कन्वे भी कर पा रहे हैं. तो उससे एक साइमल्टेनियस अपडेट में एक स्मूथनेस आ जाती है. सबको पता भी रहता है कि कौन क्या अपडेट कर रहा है. अगर कुछ ऑब्जेक्शन रहते हैं तो उसको अपन चेंज भी करवा सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट देखिएगा, अवॉइड्स कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. यहां पर इसको एक एग्जांपल से अगर समझें, मान लीजिए एमएस वर्ड आप यूज कर रहे हैं. एमएस वर्ड के डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं. कुछ पर्टिकुलर फीचर और फंक्शनैलिटी एडवांस वर्जन में अवेलेबल होती है, जो लोअर वर्जन में अवेलेबल नहीं होती है. तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनेगा, अगर मान लीजिए ये तीनों अपनी लोकल कॉपी भी मैनेज कर रहे होंगे ना, तो इनका वर्जन सेम रखने की हम कोशिश करते हैं. सेम वर्जन पर अगर ये ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है जब ये सिंक करेंगे या अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें पेस्ट करेंगे, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिजाइन है किसी पर्टिकुलर टूल के द्वारा बनाया गया, तो वहां पर वो पर्टिकुलर टूल यहाँ पर भी अवेलेबल होगा. तो इसका मतलब ये है सेम प्लेटफॉर्म रखना होगा आपको, है ना. सो और ऐसा करने से कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं, वो उस टाइप के एरर्स नहीं आते. इसको वायरिंग एरर्स बोलते हैं. बेसिकली बोलते हैं तार गलत जोड़ दिया या फिर गलत कंपोनेंट से कंपोनेंट जोड़ दिए, तो ये सब चीजें नहीं आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फैसिलिटेट्स टीम कोऑर्डिनेशन. अब सब कुछ कॉमनली यहाँ पर लाइव दिख रहा है, टीम को भी पूरा विजन क्लियर है, क्या करना है, किस प्लान से करना है, अभी किस स्टेज पर है, सब चीज लाइव चल रही है. तो टीम कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा. हेल्प्स इन बिल्डिंग मैनेजमेंट मैनेजिंग टूल्स यूज्ड इन बिल्ड. अब जो भी पर्टिकुलर प्रोग्रेस यहाँ से हो रही होगी, किसी भी पर्टिकुलर मान लो यूजर ने इसको फाइनली बिल्ड किया, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी इनको सिंक होती जा रही है. सो टूल मैनेजमेंट में भी फीचर और फंक्शनैलिटी को मैनेज करने के लिए ये तीनों कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. देन डिफेक्ट ट्रैकिंग, इट एंश्योर दैट एवरी डिफेक्ट हैज ट्रेसेबिलिटी बैक टू इट्स सोर्स. देखिएगा, एक चेन रिएक्शन होती है, जैसा कि आपको बताया था जब अपन SDLC पढ़ रहे थे, और शुरुआत में हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मान लीजिए शुरुआत में अगर डिजाइन के टाइम पर आपकी कोई डिफेक्ट रिटेन हो जाती है, मान लीजिए आप डिफेक्ट को पकड़ नहीं पाते हो, कोई डिफेक्ट मान लीजिए ये, तो ये डिफेक्ट आगे भी कैरी ऑन होगी और एक चेन रिएक्शन क्रिएट होगी. सो आप समझिएगा कि फाइनल प्रोडक्ट भी फॉल्टी ही बनने वाला है, क्योंकि यहां से ये डिफेक्ट कंटिन्यू, जब तक इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते. सो आपके पास एक कॉमन एरिया है जहां पर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं चीजों को, प्रॉपर कंट्रोलिंग है, तो आप डिफेक्ट को भी ट्रेस कर सकते हैं, उसकी पूरी ट्रेल पता कर सकते हैं. एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ट्रेल. ट्रेल मतलब पूरा कहां से कहां तक ये पर्टिकुलर, मतलब बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं अपन कि भाई एरर जनरेट हुई कहां से, आप ये पता कर सकते हैं यहां पर किस पर्टिकुलर यूजर ने कौन सी लाइन अपडेट कर दी थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है, या कोई भी और इश्यू हो सकता है, है ना. तो ये सब कुछ ट्रेस किया जा सकता है. सो ट्रेल कैन बी चेक्ड. एक टर्म आता है ब्लॉकचेन का. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए. सो जिस तरह से ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स होते हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड, आप कोई भी परिवर्तन करेंगे तुरंत है ना वो आगे के ब्लॉक्स रेड हो जाएंगे,
है ना, तो इस तरह का एक मैकेनिज्म है, आप ये समझ सकते हैं। तो जिस तरह से वो जिसमें बैक टू बैक है ना सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे यहाँ पर भी एक्टिविटी इस पर्टिकुलर ट्रेल के द्वारा कनेक्टेड है। ये ट्रेल रेक्टिफाई कर देगा, बता देगा कि भाई कहाँ पर गड़बड़ हुई है, ठीक है। सो दीज आर ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ SCM, और इन्हीं एडवांटेजेस के कारण एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैनेज करने के कारण प्रॉपर मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।